Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine and you all are watching our videos regularly. So today we will take up a new chapter from your supplementary reader book, A Pact with the Sun, and the chapter name is The Friendly Mongoose. So this is the story about a family where a father, mother and a child live in a village, and you can see the mongoose. Mongoose आपने देखा होगा, it is an animal. एक mongoose जो होता है नेवला, उसको हिंदी में नेवला बोलते हैं. So ये story में एक बच्चे और उस mongoose की, और वो mongoose कितना friendly होता है, and what happened with this mongoose at the end, we will see in this chapter. So let's start this chapter. I am reading the chapter and as well as I will explain it also. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक बार की बात है, एक फार्मर और उसकी वाइफ एक अपने छोटे से बेटे के साथ एक विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे. वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे. एवरी पेरेंट लव देयर चाइल्ड. सो वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. फार्मर ने, किसान ने एक बार अपनी वाइफ से कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए. एवरीबडी लाइक्स पेट. आपको भी पेट पसंद है. हम लोग अपने पास रखते हैं पेट, लाइक डॉग्स, कैट्स. तो फार्मर ऑल्सो सेड टू हिज वाइफ कि वी मस्ट हैव अ पेट. व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसको एक कंपेनियन की जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेनियन? अ पार्टनर, एक साथी की उसको जरूरत पड़ेगी. सो कंपेनियन. So the meaning of companion is partner, जो आपके साथ उठता बैठता है, और you can spend a time with your partner, with your companion. तो उसने कहा कि हम एक pet रखते हैं जो हमारे बेटे का एक companion बनेगा, partner बनेगा जब हम अपने काम के लिए बाहर जाएंगे. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. उसकी wife को ये idea पसंद आया. So one evening the farmer brought with him a tiny mongoose. तो कंपेनियन हम डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, लेकिन ये फार्मर विलेज में रहता था, तो उसने एज अ कंपेनियन, एज अ पेट किसको पसंद किया? ही ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस, एक छोटा सा वो मंगूस लेकर आया, नेवला लेकर आया. इट इज़ अ बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, कि ये बेबी मंगूस है लेकिन जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और हमारे बेटे का वो एक अच्छा फ्रेंड बन जाएगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, बेबी भी बड़ा होने लगा और मंगूस भी बड़ा होने लगा. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5-6 months के अंदर वो जो बेबी मंगूस था वो बड़ा हो गया, वो फुल साइज में आ गया. अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. वो मंगूस जो था वो बहुत ही लवली दिखता था. वो उसकी टू शाइनिंग, चमकती हुई ब्लैक आइज थी एंड अ बुशी टेल, और उसकी जो टेल थी वो फुल ऑफ हेयर थी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुशी? सो मीनिंग ऑफ बुशी इज फुल ऑफ हेयर. Full of hair. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. जो फार्मर का जो सन था वो अभी भी बच्चा था, क्योंकि जो इंसान के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, बट एनिमल्स बेबी ग्रो वेरी फास्ट. सो वो अभी भी बच्चा था और वो क्रेडल में सोता था. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडल? क्रेडल का मतलब होता है क्रिब, अ बेबीज बेड. क्रेडल. सो क्रेडल मीनिंग क्रिब, अ बेबीज बेड, जिसमें बच्चा सोता है. अ बेबीज बेड. और वो रोता रहता था, क्योंकि छोटे बच्चे
रोते रहते हैं. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल. एक बार फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था तो उन्होंने उसने जो है अपने बेबी को फीड करवाया और उसको सुला दिया क्रैडल में. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार. उसने अपनी बास्केट उठाई और क्या बोली हस्बैंड से कि मैं बाजार जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट. द बेबी इज स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उसका ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विद द मंगूस. कि सच कहूँ तो मुझे बच्चे को मंगूस के साथ छोड़ना ज़्यादा पसंद नहीं है अकेला. सो कीप एन आई ऑन हिम. उसका ध्यान रखना. यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. फार्मर ने क्या कहा कि तुम डरो मत. द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल. मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल. इट इज एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यू नो कि वो वैसा ही अच्छा है, प्यारा है जैसे हमारा बेबी है और वो बेस्ट फ्रेंड है. सो यू डोंट वरी. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. तो वाइफ जो है वो चली गई और फार्मर जिसको घर में कोई काम नहीं था डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. फार्मर को घर में कोई काम नहीं था तो उसने सोचा कि मैं जो है अपने फार्म में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ और देख कर आता हूँ. और उसका फील्ड जो है वो उसके घर के पास में था. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो वो चला गया. उसको कुछ फ्रेंड्स मिले तो उसको घर आने में थोड़ा टाइम लगा. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर की वाइफ ने मार्केट में सारा अपना जो शॉपिंग थी वो कंप्लीट की और वो बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज यानी कि वो बास्केट भर के ग्रोसरीज लेकर आए. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोसरीज हियर. मीनिंग ऑफ ग्रोसरीज द फूड एंड सप्लाइज जो हम ग्रोसर से परचेज करते हैं. सो ग्रोसरीज the food and supplies. So she came back. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. जब अपने घर के पास आई तो उसने मंगूस को घर के पास मंगूस को देखा. उसका वेट करते हुए जैसे वो उसका वेट कर रहा है. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी. और उसने जब उसको देखा मंगूस ने जब फार्मर की वाइफ को देखा तो वो दौड़ के उसके पास गया जैसे वो उसको वेलकम कर रहा है. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड. और जब फार्मर की वाइफ ने मंगूस को देखा तो वो उसने स्क्रीम किया. क्या किया? वो चिल्लाई कि ब्लड. उसके जो मंगूस का जो फेस था, माउथ था, उसमें ब्लड था. द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड. तो जो मंगूस के जो पास थे यानी कि पंजे थे और जो माउथ था उसमें ब्लड था. स्मीयर मीन्स रब अप्लाई. इट मीन्स उसके माउथ में वो ब्लड पूरा लगा हुआ था. यू बिट एनिमल यू हैव किल्ड माई बेबी शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. उसने कहा कि बिट एनिमल यू क्रूअल एनिमल. तुमने मेरे बेबी को मार दिया. और वो जोर से वो जैसे कोई पागल कैसे वो स्क्रीम करता है चिल्लाता है तो वो भी उसी तरह से वो चिल्लाई. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. वो गुस्से में एकदम से वो ब्लाइंड जैसी हो गई थी. उसके हाथों से उसका जो हैवी बास्केट था ग्रॉसरीज का वो छूट गया. ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडर. और जो उसने जो ब्लड देखा मंगूस में वो देखकर वो थोड़ा सा वो बहुत वो अफ्रेड हो गई और वो घर की तरफ अंदर भागी. टू द चाइल्ड्स क्रेडर जहाँ पे उसका बेबी सोता था क्रेडर में. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप. बेबी तो आराम से
सो रहा था बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. लेकिन जो फ्लोर था जो वहाँ का फर्श था वहाँ पर एक ब्लैक स्नैक था उस वो पूरा जो है वो उसको जैसे किसी ने हार्म पहुँचाया हो और पूरा ब्लड ब्लड था वहाँ पे. इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड. तो अचानक उसको रियलाइज हुआ कि क्या हुआ होगा. फार्मर की वाइफ को वो स्नेक को देखकर रियलाइज हुआ कि व्हाट हैड हैपेंड. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस और फिर वो दौड़ के मंगूस को देखने के लिए गई. ओह यू सेव्ड माय चाइल्ड यू किल्ड द स्नेक व्हाट आई हैव आई डन. कि वो अपने बच्चे को देखकर बाहर भागी तो उसने देखा कि स्नेक तो मर चुका था. तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने क्या किया. शी क्राई टचिंग द मंगूस और वो मंगूस को टच करके रोने लगी. हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग. तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया था मंगूस को मार दिया था गुस्से में क्योंकि उसने सोचा कि उसने मेरे बेबी को मारा है. तो उसने उसको हिट किया जिससे मंगूस मर गया था. तो जब उसने देखा कि वो स्नेक मर चुका है तो उससे उसको पता चल गया कि मंगूस ने तो मेरे बच्चे को बचाया है. एंड शी वॉज सॉबिंग. सॉबिंग मीन्स वी रोना. तो वो सॉबिंग वो सॉब करने लगी रोने लगी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉबिंग. वी The farmer's wife who had acted hastily and rashly, जो farmer की wife है mongoose को देखकर बिना सोचे समझे जो उसने act किया यानी कि mongoose को मार दिया. Stared long at the dead mongoose. वो stare करने लगी mongoose को. Stare करना means देखते जाना. बहुत ही means वो उसको देखने लगी gaze करने लगी. Looked with fixed eyes. So what is the meaning of stare? घूरना. स्टेयर मींस घूरना देखना. लुक विद फिक्स्ड आईज. व्हाई शी वाज स्टेयर्ड द मंगूस बिकॉज वो टेंशन में आ गई थी. वो शॉक हो गई थी कि मैंने उस मंगूस ने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने उसके साथ क्या किया. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम. उसके बाद उसने उसके बेबी की रोने की आवाज़ सुनी. शी वाज शॉक बट देन शी वेंट टू हर बेबी एंड फीड हिम. सो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र. स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस स्टोरी. सो स्टूडेंट्स वॉट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी. द मोरल ऑफ द स्टोरी डोंट एक्ट विदाउट थिंकिंग. कुछ भी सोचो या कुछ भी बोलो हमेशा उसको पहले सोचो. सो गो थ्रू दिस स्टोरी एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल सेंड PDF ऑल्सो एंड दैट वर्क यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.